Assalamualaikum ji, to all the people who are here and online as well. मेरा नाम शाहिद ज़मान खोखर है and I'm associated with the field of learning and development. I believe since 2012. 2012 से मैं इससे associated हूँ. I have trained people in different domains, either that is communication skills or digital marketing, more particularly social media marketing. आज का हमारा session अमीर अली साहब ने जो हमारे साथ अमीर अली सीरीज के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, बड़ा अच्छा एक प्रेजेंटेशन भी दी, थॉटफुल नॉलेज भी शेयर किया. मैं थोड़ा सा उस लेवल पे बात नहीं करूँगा बिकॉज एज ही इज हेडिंग एन एचआर ऑर्गेनाइजेशन, सो ही इज फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड ही इज कंपेयर्ड टू हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस. मैं चूँकि टारगेटेड यूथ से इंटरेक्ट करता हूँ तो मेरी ओरिएंटेशन भी यूथ से रिलेटेड होगी. हम में से कमोबेश हर कोई शख्स बिजनेस करना चाहता है लेकिन अंदर से डरा होता है. डरा किस लिए होता है? क्योंकि वो जमा तफरीक जो है ना उसको इजाजत नहीं देती, आज़ादी नहीं देती कि वो कुछ कर सके. अब लॉट ऑफ पीपल हु आर सिटिंग हियर, दे आर कमिंग फ्रॉम बैकग्राउंड्स जिनके वालिद वालिदा भाई सर्विस सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, व्हिच मींस कि दे आर डूइंग जॉब्स. अब वो ओरिएंटेशन जो है वही कैरी फॉरवर्ड हो रही है. और अगर कोई नौजवान जो बिजनेस करना चाहता है तो पहले तो उसको इर्द गिर्द का डर मार देता है. लेकिन आज बिजनेस करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है. आज जब एक रिटेल ओपन करना चाहते हैं तो 4-5 मिलियन का आपको एक इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद फिर आपका कस्टमर डेवलप होता है एंड देन यू मेक अर्निंग आउट ऑफ इट. तो बड़ा एक लंबा जर्नी है. जो डिजिटल मीडिया या पर्टिकुलरली सोशल मीडिया, मार्केट प्लेसेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म है, इन्होंने लोगों को मौका दे दिया है कि अगर वो सिर्फ एक प्रोडक्ट भी बेचना चाहते हैं, तो उसको बेच सकते हैं. दराज जैसे प्लेटफॉर्म पर एक लड़के ने, अगर आपने देखा, दरवाजे के नीचे छोटा सा फोम टाइप एक मटेरियल आर्ट होता है, वो स्लाइड करें ड्रॉप इन हो जाता है. उसने वो दराज पे एक प्रोडक्ट बेचा और उसने बड़े लॉट ऑफ नंबर्स में उसको सेल किया, लाखों उसने उससे रेवेन्यू जनरेट किया. इसी तरह आप सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके उस पर काम कर सकते हैं. कमाल बात यह है कि आपको कस्टमर को ना तो अपना रिटेल दिखाना है कि आपका एम्बियंस क्या है, आपके पास फर्नीचर क्या है, आपके पास जो स्कैनर या बार कोडर्स के, ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं. तो इट मींस कि कोई भी शख्स जो करना चाहता है उसके लिए ये एक बड़ी जबरदस्त पोटेंशियल मौजूद है. लेकिन जितनी देर करते जाएंगे उतना मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज होता जाएगा. इफ यू कंपेयर इट फ्रॉम 2013 तो 2013 से लेकर आज 2021 की कैंपेन्स को अगर हम फर्क देख रहे हैं तो फेसबुक पर उस वक्त सिर्फ 2 कैंपेन्स हुआ करती थी. या तो आप अपने पोस्ट को बूस्ट कर दें, ओनली पीपल कैन कॉमेंट और मैसेज यू, and the second was कि आप अपने पेज को प्रमोट कर दें so that people can have more and more likes on your page. आज उसकी करीबन 18 कैंपेन्स बन चुकी हैं. पहले जो बिजनेसेस इसको मुंह नहीं लगाते थे, चाहे वो लुई विटॉन है, चाहे वो एडिडास है, आज वो बिजनेसेस मजबूर हो गए इस मीडिया पर आने के लिए. लुई विटॉन ने इसी पिछले 2 से 3 महीने अपने अपना लॉन्च दिया है डिजिटल पे. दे आर एग्रेसिवली एडवर्टाइजिंग देम ऑन इंस्टाग्राम क्योंकि मार्केट डायनेमिक्स बदल गए हैं. कोविड से पहले पाकिस्तान के अंदर तकरीबन फेसबुक पे 35 टू 40 मिलियन के लोग मौजूद थे जो कि फेसबुक एक्टिवली यूज कर रहे थे क्योंकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है. बाकी इंस्टाग्राम या स्नैपचैट या ट्विटर बाकी तो बहुत सारे हैं. कोविड के विद इन द 6 मंथ्स वो 5 मिलियन के इजाफे पे पहुंच गया. 5 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल नंबर एंड नाउ दैट इज इंक्रीजिंग. 45 मिलियन को वो क्रॉस कराए. मैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ. मैं चूंकि वो शख्स हूँ जो कि ऐसा डॉक्टर हूँ जो कि तजर्बे करके खड़ा हुआ है आपके सामने. तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई क्लाइंट्स. ऐसे क्लाइंट जिनका माहाना सेल्स वॉल्यूम 3-4 लाख से लेकर 1 करोड़ या 2 करोड़ तक है, विच मीन्स के, और ये वो तमाम लोग हैं जिनकी या तो डिजिटल के अलावा कोई प्रेजेंस मौजूद नहीं है, इनकी कोई दुकान मौजूद नहीं, इनका कोई रिटेल ऑफिस मौजूद नहीं है. दे डोंट अलाउ पीपल टू विजिट देयर वेयर हाउस. तो इतनी इमेंस पोटेंशियल मौजूद है. तो यहाँ जहाँ बहुत से लोग बिजनेस आइडिया की बात करते हैं तो मैं यहाँ आपको ये जरूर कहूंगा कि यस दैट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन इस ख्याल के अंदर कहीं भी कभी भी अपनी ख्वाहिश को दम तोड़ता हुआ मत छोड़ो कि मेरे पास वो कोई यूनिक आइडिया आएगा तो मैं बेचूंगा. बहुत सारे लोग वही सिमिलर प्रोडक्ट विद अ डिफरेंट टच सेल कर रहे हैं. आप कपड़े पहनते हैं, आप ड्रेस शर्ट पहनते हैं, आप कैजुअल शर्ट पहनते हैं, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, आउटफिटर, मोनार्क एंड द लिस्ट गोज ऑन, यूनिवर्स है एंड देयर आर सो मेनी ब्रांड. लेकिन आप देखें करीबन हर 6-8 महीने, साल 2 साल बाद 2 से 3 नए ब्रांड आ रहे हैं और वो अपनी स्पेस क्रिएट कर रहे हैं. सो इट मीन्स कि ये तो बहुत बड़ी मैं बात कर रहा हूँ. आप डेली के कोई 10 ऑर्डर भी जनरेट कर लें, आप एवरेजली एक ऑर्डर पे सिर्फ 300 रुपया बचा लें। जमा तफरी मेरी थोड़ी खराब है, अगर 10 ऑर्डर जा रहे हो और 300 डेली के आपके पास सेविंग कितना बन जाता है? 3000, which means कि आप महीने का 1 लाख सेव कर रहे होंगे। और अगर आप एक नौजवान हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बड़े मजे की बात यह है कि एवरीथिंग इज ऑन योर स्क्रीन। मैं यहाँ बैठा हूँ, इस मोबाइल पे क्लाइंट्स की बजट्स की कंजम्पशन, उनका सेल वॉल्यूम, उनकी क्या इंटीग्रेशन चल रही है, इट्स ऑल कमिंग हियर इन दिस स्क्रीन। अदरवाइज अगर मैं लोकली रिटेल पे बिजनेस करना चाहता हूँ तो आई हैव टू गो एंड सेट ऑन अ रिटेल। 2 लोग खड़े होंगे, 4 लोग खड़े होंगे जो संभाले, मैं वहां से जा नहीं सकता, मैं मजबूर हूँ, मुझे नहीं पता घर पे इधर उधर क्या मसाइल आएंगे। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब अगली बात आ जाती है कि अच्छा करें क्या, मैं करना चाहता हूँ, हाँ जबरदस्त बिजनेस करना है, क्या करूँ? सर आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, इवन इफ यू डोंट हैव अ प्रोडक्ट। आपके पास ये मग पड़ा हुआ है, प्रिंटेड पेन है, वॉलेट्स हैं, विच मीन्स कि जिसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि यू हैव टू टेक अ गुड क्लिप, उसको इंटरनेट पर डालें, उस पर प्रमोशन चलाएं, कस्टमर आपसे इंक्वायर करेंगे, कंपेटिटिव प्राइस दें, उस वेंडर के पास चले जाएं जो ये तैयार कर रहा है, उससे कितने 4 पीसेस 4000 5000 दैट्स इट, इन्वेस्ट करके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई सोल्ड ऑनलाइन दैट वाज बैक इन 2013 एंड 14 2013 या 14 में मैं भी कंपनी में नौकरी करता था, मुझे भी बड़ा शौक था बिजनेस को और पता नहीं था क्या करना है, तो कपड़े पहनने का शौक था, आजादी का महीना था, मैंने कहा यार ये आज़ादी की शर्ट बिक रही है, इसको मुँह बांधते। तो कराची में एक साहब तो बेच रहे थे, मैं कहा कितने की बेच रहे हैं? उन्होंने कहा जी हम आई डोंट नो एग्जैक्ट मुझे प्राइस क्या थी, मैंने कहा मुझे आप बल्क में 30 पीसेस भेजना, 299 की मैंने इसको प्राइस पे की। ठीक है, मैंने इसको सोशल मीडिया पर ऐड चलाया। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान में सोशल मीडिया को जानता नहीं था। कराची के कुछ लोग थे जो एडवर्टाइज करते, पाकिस्तान के बहुत रेयर एडवर्टाइजर मौजूद थे। ये वो था जब फेसबुक अपने इंसेंटिव्स क्रिएट कर रहा था लोगों के आप एडवर्टाइज करें, आपके लिए बड़ा मजेदार प्लेटफॉर्म। मैंने 300 रुपये स्पेंड किए और इसके अगेंस्ट मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे लगा दिया और इधर उधर लगा दिया, एंड आई जनरेटेड 70 ऑर्डर्स। अगर आप पर ऑर्डर एक्विजिशन कॉस्ट देखें तो 3.5 से 4 रुपये बनती है। सो ये पोटेंशियल मौजूद है, एंड दैट वॉज कि लोगों के घरों में चीज पहुंच रही है। आज कोरियर कंपनी आपके घर से प्रोडक्ट पिक करेगी, डिलीवर करेगी, पैसे आपके अकाउंट में बात खत्म। सो पोटेंशियल बहुत मौजूद है, लेकिन जितना देर करेंगे उतना खसारे में होंगे, जितना जल्दी शुरू कर लेंगे उतना फायदे में रहेंगे। सो यू कैन स्टार्ट विद एनी प्रोडक्ट। टी शर्ट का जबरदस्त बिजनेस है, शर्ट्स, फ्रॉक्स, कुर्ताज। आप और कुछ ना करें, आप उठे यहाँ से शालमी चले जाए, शालमी से उठाएं, हजारों प्रोडक्ट पड़े हैं, उनकी सिर्फ फोटो लेके चले जाएं। पहले दिन तरले लेने, सिर्फ फोटो ले लेने, फोटो लेके जाएं, चले जाएं, इंटरनेट पर लगाएं, ऑर्डर लें, पैसे उठाएं, माल पकड़ें, डिलीवर करें। मैं आपको आउटफिटर बनाने का तरीका नहीं बता रहा, मैं आउटफिटर शुरू करने का तरीका बता रहा। ठीक है, आपके पास मैं चूंकि इंडस्ट्री से हूँ, मैं टेक्सटाइल के साथ काम कर रहा हूँ, क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, देयर आर सो मेनी वेंडर्स जिनको आप अपना प्रोडक्ट दें, अपना डिजाइन दें, अपना स्टाइल दें, they'll get it. They'll print it, they'll deliver everything as per the national brand standard आपको बन के मिल जाएगा, बिकॉज आप लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर हब है हर एक किस्म की इंडस्ट्री का, जहाँ को आपको कोई भी चीज़ बनवानी है आपको वेंडर मिल जाएंगे। आप कहीं शेखुपुरा, ननकाना, उकाड़ा, एबटाबाद में नहीं बैठे। तो इस जगह का 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। पाकिस्तान के टॉप बाइंग सिटीज़ में लाहौर और कराची मौजूद है, आप लाहौर में मौजूद हैं, तो देर इज़ एन इमेंस पोटेंशियल। यहाँ ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि सिर्फ यहां से प्रोडक्ट लेकर वहां बेच रहे हैं और उनका 1000 ऑर्डर डेली का है। एक ऐसा ही ब्रांड है जिस वक्त ट्रैक्स लॉजिस्टिक्स के साथ काम कर रहा है, बेगेलरिया के नाम से काम कर रहा है, और इस वक्त उन्होंने $2.3 मिलियन की सीड मनी भी जनरेट की। दे ओनली बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट, वेयर हाउस से डिस्पैच हो जाता है। अब तो और चीज आसान हो गई है, आसानी ये आ गई है कि कोरियर कंपनी आपके यहाँ पे सब कुछ कर देगी। आपने सिर्फ 2 काम करने हैं, प्रोडक्ट जनरेट करना है, सोर्स करना है, इंटरनेट पे बैठना, दैट्स इट। बाकी सब काम आपकी दुनिया में होते हैं। आप कंटेंट की बात करते हैं, यहाँ माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बात से पैसे कमाए, उनमें हम भी मौजूद हैं, और एक बहुत बड़ा बड़ा नाम हमारे पास मौजूद है इल्म की दुनिया में। जब लोगों को नहीं पता था कंटेंट क्या होता था, तब माशाल्लाह लोगों ने कंटेंट जनरेट शुरू कर दिया। और आज पाकिस्तान की अगर एजुकेशन की इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इनका नंबर 1 वेबसाइट रेट होती है। इनकी कंपटीशन में बहुत सारे लोग आए और वो काम कर रहे हैं, रेप्लिका वाला डालो यार, लेकिन उसके बाद एफर्ट और टाइम सब चीजें चाहिए, उसके कोई यूनिक चीज क्रिएट कर लें। आप पाकिस्तान में देख लें, आपको बेशुमार प्रोजेक्ट्स जनरेट होते हुए नजर आएंगे, यहाँ वो माइनर चेंजेस के साथ एडेप्टेशन के साथ चल रहे होंगे। ये आपके पास ऊबर काम कर रहा है, ये करीम कर रहा है काम कर रहा है, ये फूड पांडा काम कर रहा है, ये तमाम ब्रांड्स काम कर रहे हैं, ये वहां से ही आए हैं या वहां के किसी ने आइडिया पिक किया या उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। सो किसी भी काम को करने के लिए, मैं कंक्लूड करूंगा कन्वर्सेशन को, किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो वो पैसा नहीं है, वो किस्मत नहीं है, वो आपकी हिम्मत है, दैट इज दी विल कि मैंने करना है। जब आप करना भी शुरू होंगे तो पैसा भी आ जाएगा, सोर्सेज भी आ जाएंगी, लर्निंग्स भी आ जाएंगी। नाउ देयर आर टू थिंग्स। अब आप काम करना चाहते हैं, आपने नीयत बना ली, अब मार्केट की जुबान में कहते हैं अपने पैसे से सीख लो या किसी के पैसे से सीख लो, जाओ उस इंडस्ट्री में जिसमें काम करना चाहते हो, 2-3 साल काम कर लो, 4 साल काम कर लो, 5 साल काम कर लो, उस इंडस्ट्री की डायनेमिक्स की समझ आ जाएगी, उसके बाद उठो अपना शुरू कर दो, या नहीं तो ठीक है फिर करो, गलती करो, सीखो और आगे बढ़ते जाओ। देयर आर सो मेनी बिजनेस जिनकी दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं है, कुछ छोटे छोटे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, चाहे वो अलीबाबा है या कोई और प्लेटफॉर्म है, अमेजोन है, कुछ भी है, इनकी एग्जिस्टेंस जमाने में नहीं है, इन्होंने कहा खुद से करते, इन्होंने अर्ली स्टार्ट कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हुए अपने घर के गैराज से काम शुरू किया। तो अगर आप डिग्री करते वक्त ये सोचते हैं मुझे सोफिस्टिकेटेड को 2 करोड़ का इन्वेस्ट करूंगा तभी मैं बिजनेस शुरू करूंगा, वो 4-5 लोग इधर उधर भाग लूंगे, ऐसा नहीं है। यू स्टार्ट फ्रॉम योर ओन सेल्फ, डू एवरीथिंग ऑन योर ओन एंड इनिशियली, उसके बाद काम सीखते जाएं, लोग बढ़ाते जाएं, काम बढ़ाते जाएं। एक छोटा सा बिजनेस 3-4 लोगों को कम से कम कमाई का मौका दे देते, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो कोई और है। इस वक्त एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी वीडियो आज तक काफ़ी चल रही है, उन्होंने कहा मैं पढ़ाता बहुत हूँ, मैं करता क्यों हूँ, कोविड के अंदर सभी को चैलेंजेस थे। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने दुकान की और वहाँ खाना शुरू कर दिया बनाना, और आज उनकी वीडियो वायरल है। एक और साहब बड़े एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, कंसल्टेंट के तौर पर काम किया, टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा, वो भी चैलेंज आ गया, तो उन्होंने सोचा मैं क्या करूँ। बेगम के पास गए, बेगम क्या बनाऊँगी, तो कहा मैं बिरयानी बनाऊँगी, कहता ठीक है मैं बिरयानी बेचूँगा। काम छोटा बड़ा नहीं, आपको पता नहीं चाहिए यार मैं हो क्यों। एंटरप्रेन्योर जो आजकल बेशुमार हम जैसे हैं, उनके पास ना टाइम होता है ना उनके पास पैसा होता है, घर वाले कहते तुम हो कौन, कहते हम एंटरप्रेन्योर। यस, इनिशियली चीजें इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, इट्स अ रोलर कोस्टर। नौकरी में आप जाते हैं, आप पहले डिसाइड करते मुझे महीने कितने मिल जाएंगे, 30, 35, 15, 20 लाख, 2 लाख, 10 लाख आपको मिल जाएंगे, आपको पता है इतने बजे जाना है, ये KPI पूरे करने में बात खत्म हो जाएगी। बट ये जो एंटरप्रेन्योर है ये रोलर कोस्टर है, ये कब कहाँ ढस करके लगती है, कब पेट्रोल खत्म हो जाता है, कब खराब हो जाती है, कब रात हो जाती है, कब बारिश हो जाती है, तमाम इस रोलर कोस्टर के साथ होते हैं। ये है बड़ी मजेदार, क्योंकि ये आपकी अपनी होती है, ऑनरशिप आपकी अपनी है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाखों भी कमा लेंगे ना, आपकी ऑनरशिप नहीं होती, लेकिन यहाँ आप शायद 10 रुपए भी कमा लें, हो सकता है नुकसान में भी हो, कई साल नुकसान में भी हो, बट स्टिल वो जो ऑनरशिप है, वो जो विल है कि मैं कल कर गुजरूंगा, वो आपको लेके चलूंगी। सो जितना अर्ली शुरू कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं प्लान कर ले, 1-2 महीने रिसर्च करें, शुरू कर दें। जितने लोग कामयाब हैं उन्होंने पता नहीं कितने कितने साल नाकामियों से गुजारे, चाहे वो सलीम मोई की बात कर लें, चाहे वो काजी मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर लें, एंड द लिस्ट गोज ऑन। कामयाबी को प्लेटो में मिली, they actually worked hard and they did it। और ये जिंदगी से सोच निकाल दें कि सिफारिश होनी चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास कुछ होना चाहिए। आपके पास नीयत होनी चाहिए, जिसके पास नीयत है उसके अमाल बन जाते हैं, पैसे भी आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। सो दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कि आज आप इस प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यू डोंट नीड इवन अ वेबसाइट, आप शुरू करें, शुरू करेंगे कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। If you need any kind of support, guidance, मैं आपको अवेलेबल हूँ। यू कैन सर्च मी इन गूगल, शाहिद ज़मान खोखर लिखें, कोई ना कोई लिंक प्रोफाइल आ जाएगी, माई नंबर, माई ईमेल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। मुझे जब वक्त मिलता है मैं रिस्पॉन्ड जरूर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन हु एक्चुअली इन्वाइटेड मी, और तमाम जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, जिनमें कुछ चेहरे जाने पहचाने, कुछ अनजान हैं, उनका भी शुक्रिया जी आप लोग यहाँ मौजूद हैं। I need to leave. Inshallah, फिर किसी और बात से मुलाकात हो। थैंक यू।